let it bang. Assalamu alaikum, this is Amir Rafiq from 5G Properties, the platinum sales partner of Lahore Smart City and Capital Smart City. Last video जो मैंने पिछले माह ही अपलोड की थी उसमें आप देख सकते थे कि मशीनरी तकरीबन ना होने के बराबर थी और ऐसा लग रहा था कि शायद सोसाइटी इसको डिले कर रही है, लेकिन ये वीडियो 27 नवंबर 2021 की रिकॉर्डेड, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो सोसाइटी ने यहाँ पे मशीनरी की 6 गुना ज़्यादा तादाद कर दी है और डे एंड नाइट यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। मेन बुलेवार्ड 180 फीट का और इसके राइट साइड पे ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये ग्रीनरी के लिए मुख्तस किया गया है। मेन बुलेवार्ड में सबसे पहला राइट साइड पे जो सेक्टर आ रहा है वो सेक्टर जी है। सेक्टर जी में डिगिंग शुरू हो चुकी है आपकी सीवरेज के लिए, आपके वाटर पाइप्स के लिए और अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क के लिए। ये पूरे ओवरसीज़ प्राइम में जो सबसे ज़्यादा करंटली जो डेवलप्ड ब्लॉक है उसमें सेक्टर जी सबसे पहले आता है। सेक्टर जी में लेंस का कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और सीवरेज और पाइपिंग का काम शुरू हो चुका है। इन पाम ट्रीज से राइट साइड तक सेक्टर जी की हदूद है और ये जो 2 से 3 मशीनरियां आपको राइट साइड पे नज़र आ रही हैं ये सेक्टर जी पर ही काम कर रही हैं। इन पाम ट्रीज के लेफ्ट साइड पे सेक्टर एच है जिसका तस्करा हम वीडियो के आखिर में करेंगे। इस राउंड अबाउट के राइट साइड पे सेक्टर जी की सारी हदूद है। सेक्टर जी के अख्ताम के बाद ये लैंड जो आप देख रहे हैं ये रिजर्व्ड एरिया है, यहाँ पे एक झील और एक पार्क बनेगा। सेक्टर डी के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर कमर्शियल लेन पे एक वाइट कलर का बॉक्स आपने देखा होगा मास्टर प्लान के ऊपर। ये वो बाउंड्री वॉल्ड एरिया है, सिक्योर्ड एरिया जो कि कब्रिस्तान है, अल्लाह पाक इनकी मगफरत फरमाए। इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ सेक्टर डी पे काम शुरू हो रहा है। सेक्टर डी की लेंस की कटिंग शुरू हो चुकी है। जिन नाज़रीन को नहीं पता सेक्टर डी 7 मरला का ब्लॉक है, इसी कब्रिस्तान के साथ मेन चक्री रोड के ऊपर ये सारा कमर्शियल एरिया है जिसको अभी तक सेल आउट नहीं किया गया। कटिंग एंड फिलिंग का काम चल रहा है, लेंस ऑलरेडी मार्किंग हो चुकी हैं और काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है।
ये नीचे एक लेन मार्क्ड है, इससे पीछे चक्रीर फेसिंग जो है कमर्शियल थे, और इस लेन से पीछे सेक्टर बी। सेक्टर बी में 12 मरला, 7 मरला और एक कनाल की कटिंग है, और टू बी प्रिसाइज इसी के साथ एक्सेस रोड 2 है, वहाँ पे 8 मरला और 4 मरला कमर्शियल के प्लॉट्स भी मौजूद हैं। एक्सेस रोड 2 फेसिंग 8 मरला और इसकी बैक साइड पे 4 मरला। सेक्टर बी पे अभी कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ, कटिंग एंड फिलिंग का काम अभी चल रहा है, और ये थोड़ा सा डिप्रिसिएशन में आ रहा है ब्लॉक बनिस्बत बाकी ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर्स के। इसी के साथ सेक्टर ए है, जहाँ पे कटिंग एंड फिलिंग का काम शुरू हो चुका है, ये सोसाइटी ने अभी तक सेल आउट नहीं किया। सेक्टर ए की फेसिंग में डुप्लेक्स विलाज आ रहे हैं, जिनका एक्सटीरियर और इंटीरियर सेम होता है, और इसी की बैक साइड पे टाउन हाउसेज हैं, और इसी के साथ सेक्टर ए की एक झील गुजर रही है, जहाँ पे कमर्शियल की लैंड भी होगी। सेक्टर ए और बी थोड़ा सा निचाई की तरफ हैं बाकी सेक्टर्स ऑफ ओवरसीज़ प्राइम के। ऊंचाई पे पहला ब्लॉक सेक्टर सी, जो कि एक्सक्लूसिवली 12 मरला का है, कटिंग एंड फिलिंग का काम तकरीबन मुकम्मल और लेन की मार्किंग हो रही है। अब हमारा रुख सेक्टर ई, अगेन 7 मरला का ब्लॉक, जिसमें कटिंग एंड फिलिंग का काम बनिस्बत बाकी सेक्टर्स के थोड़ा सा कम है, और मशीनरी यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही है, कटिंग एंड फिलिंग का काम चल रहा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बुलेवार्ड की कटिंग जो आपने देखी है, इसके लेफ्ट साइड पे सेक्टर ई है, जहाँ पे कटिंग एंड फिलिंग का काम चल रहा है, और इसी बुलेवार्ड के आप बिल्कुल सामने देखें एक राउंड अबाउट है, जो कि सेक्टर जी की हदूद को डिफाइन कर रहा है। अब हम जिस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं वो सेक्टर एफ, एक कनाल का ब्लॉक है, और इसमें एक खसूसी पट्टी 4 कनाल की और 2 कनाल की। हकीकी मानों में जिनके सेक्टर एफ में मज़े हैं वो 4 कनाल और 2 कनाल वालों के हैं, क्योंकि वो पूरे सेक्टर एफ में सबसे ज़्यादा हाइटेड लोकेशन पे हैं। ये जो आपने स्ट्रीट एक देखी है, ये वो स्ट्रीट है जो एक्सक्लूसिवली 4 कनाल के विलास को टच कर रही है। इस स्ट्रीट की राइट साइड पे 4 कनाल के विलास और इसकी बैक साइड पे 2 कनाल के विलास, दोनों हाइटेड लोकेशन पे हैं, जबकि बाकी सेक्टर एफ इससे निचली सतह पे है। ये स्ट्रीट एक पीर सहावा जैसा मुकाम रखती है, क्योंकि इस स्ट्रीट के ऊपर आप खड़े हो जाएं तो बाकी सारा ओवरसीज प्राइम आप देख सकते हैं। इस स्ट्रीट के बिल्कुल बॉटम साइड पे आप जो लैंड देख रहे हैं, ये अपार्टमेंट्स के, जो कि सोसाइटी ने अभी तक सेल आउट नहीं किए, ये झील फेसिंग अपार्टमेंट्स होंगे। इस बुलेवार्ड के राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये सेक्टर एच है, और ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। सेक्टर एच में एक कनाल की एक्सक्लूसिव कटिंग्स हैं, और कटिंग एंड फिलिंग का काम इसका भी तकरीबन फर्स्ट हाफ का मुकम्मल हो चुका है। ये अपार्टमेंट्स की वो लैंड है जिसका भी थोड़ी देर पहले ही तذکرہ किया है मैंने, जिसको सोसाइटी ने अभी तक सेल आउट नहीं किया। अब जो आप देख रहे हैं आपके सामने एक झील है, जो कि ओवरसीज प्राइम और गोल्फ कोर्स
ओवरसीज प्राइम और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बीच में है। ये झील दोनों ब्लॉक्स की हदूद को डिफाइन कर रही है। ये लैंड जो आप देख रहे हैं अपने राइट साइड पे, ये सेक्टर एम की है जिसको अभी तक टच नहीं किया गया। बैक टू सेक्टर एच। सेक्टर एच के फर्स्ट हाफ पे लैंड की कटिंग्स और इसकी मार्किंग का काम शुरू है और सेकंड हाफ पे कटिंग एंड फिलिंग का काम शुरू है। ओवरसीज प्राइम का जो राइट साइड था बुलेवार्ड का, वो तो कटिंग एंड फिलिंग कहीं ना कहीं चल ही रही है, लेकिन ओवरसीज प्राइम के बुलेवार्ड के लेफ्ट साइड पे सेक्टर के एल एम और जे, अभी इनको सोसाइटी ने टच नहीं किया। ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। ओवरसीज प्राइम पे सोसाइटी ने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि 2022 के मिड से यहाँ पे कब्ज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। जी व्यूअर्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे इस वीडियो के इख्तिताम में आप चक्री फेसिंग कमर्शियल की पट्टी देखेंगे। ये बुलेवार्ड के लेफ्ट साइड पे ग्रीन एरिया, और इस ग्रीन एरिया को अगर आप क्रॉस करते जाएं चक्री रोड की तरफ तो यहाँ से आपका कमर्शियल की पट्टी का काम शुरू हो जाता है। ये सारे कमर्शियल की वो पट्टी है, मेन कनाल के कमर्शियल्स, जिसको सोसाइटी ने अभी तक सेल आउट नहीं किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स 0331-3444-004।